आज हम एससी और एलसीएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो देखोगे यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया हुआ 160 है तथा उनका एससीएफ दे दिया हुआ है 12 है। यदि संख्याओं के बीच 60 का अंतर है तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो देखोगे इसका ट्रिक क्या होता है, एलसीएम और डिवाइड बाई एससीएफ। ठीक है, तो देखोगे एलसीएम कितना दिया हुआ है 168 और एससीएफ हो गया आपका 12। कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा आपका 14 बार। ठीक है यहाँ तक। अब देखो आपको करना क्या है, अब 14 का ऐसा दो फैक्टर फाइंड करना है जिसका एससीएफ क्या हो, 1 हो। ठीक है, अगर हम 27 ले लें, 27, अब ये देखो 27 जब 14 हो गया और 2 और 7 का एससीएफ कितना होगा भाई, 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग तो फाइन कर लिए, एक हो गया 2 हो गया और दूसरा हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो एस सी एफ जो था ना 12, अब ये जो 2 आया अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो 12 2 जा कितना हो गया 24, और दूसरा नंबर फिर क्या हो जाएगा, 12 को 7 से इंटू कर दो तो ये फिर कितना हो जाएगा 84। क्लियर है यहाँ तक? तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो संख्या तो हमें मिल गया, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। अब इसका योग बोला है तो योग माने हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 4 8 हो गया और 8 8 2 10 हो गया, यानी आंसर हो जाएगा 108, यानी 108। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखा कि दो संख्याओं के बीच का अंतर दे दिया हुआ है 15 है और उनका एस सी एफ तथा एल सी एम क्रमशः 3 और 108 है तो उनके व्युत्क्रमों के बीच अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर फाइंड करते हैं। नंबर कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस, एल सी एम को हम डिवाइड कर देंगे एस सी एफ से। ठीक है, तो यहाँ एल सी एम हमारा है 108 और डिवाइड कर दोगे 3 से। ठीक है, कितनी बार में जाएगा भाई, ये अब चला जाएगा आपका 36 टाइम्स। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस 36 का ऐसा फैक्टर हम फाइंड करेंगे जिसका एस सी एफ क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो देखोगे 4 × 9 यानी 4 9 जा हो गया 36 और इन दोनों का एस सी एफ भी क्या होगा, 1 होगा। तो अब नंबर क्या होगा, ये जो एस सी एफ यहाँ जो 3 था ना, इस 3 से 4 को इंटू एक बार कर देंगे और इसी 3 से हम 9 को इंटू कर देंगे तो 4 3 जा हो गया आपका 12 और 9 3 जा हो गया आपका 27, यानी नंबर तो मिल गया 12 और 27। ठीक है, पूछा क्या है, उनके व्युत्क्रमों के बीच अंतर ज्ञात करें। तो देखोगे व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है कि अगर नंबर मान लो ए है और बी है तो इसका व्युत्क्रम मीन्स रेसिप्रोकल, 1/a और 1/ab हो जाएगा व्युत्क्रम। क्लियर है, अब इसका पूछ रहा है अंतर यानी माइनस कर देंगे तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ए बी और यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि जो नंबर होगा उसका डिफरेंस और डिवाइड बाई उन दोनों नंबर का मल्टीपल। तो यहाँ देखोगे नंबर तो हमें मिल गया 12 और 27, तो इसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो यानी 27 माइनस 12 और डिवाइड बाई क्या करेंगे, 12 × 27। ठीक है, तो देखो इसको माइनस करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 और नीचे कितना आएगा 12 × 27। देखो 3 से जाएगा ये 5 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, और तो 5 से जाने वाला नहीं है तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 27 × 4 कर दोगे तो 27 × 4 करोगे तो आ जाएगा 108, यानी आंसर जो हो जाएगा 5/108। क्लियर है, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया हुआ है 6760 तथा उनका एस सी एफ दे दिया हुआ है 13 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो देखोगे अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे दे दिया हुआ है एस सी एफ कितना है, 13 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 13 × x और 13 × y, नंबर हम ले लेते हैं x, दो संख्या बोल रहा है, हम ले लेते हैं x और y, तो जो भी नंबर होगा उसमें एस सी एफ तो मल्टीप्लाई ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि एस सी एफ क्या होता है, कॉमन होता है, तो हम नंबर को ले सकते हैं 13x और 13y। ठीक है यहाँ तक, और इन दोनों नंबर का गुणनफल किसके बराबर होगा, एस सी एफ गुना एल सी एम, ये होगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा, तो ये दो संख्या है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया हुआ है,
6760, ठीक है यहाँ तक। यानी एक्स वाई का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा, 6760, और नीचे आ जाएगा आपका 13 × 13, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो कैंसिल करोगे तो इस 13 से अगर कैंसिल करें तो ये जाएगा 5 बार में जाएगा 65, और ये हो गया 2 बार में, और ये 1 जीरो। फिर 13 से इसको कैंसिल करते हैं, ये 4 बार में जाएगा और ये 1 जीरो। यानी एक्स वाई, यानी संख्याओं का जो हमारा एक्स और वाई जो लिए थे उसका गुणनफल कितना हो गया, 40 मिला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। आगे देखते हैं। अब देखो, अब आपको क्या करना है, संख्या तो हमें मिल गया कि एक्स और वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला, 40 मिल गया। अब हम ऐसा पेयर ढूंढेंगे, कितना पेयर बना सकते हैं, कि संख्याओं के ऐसे कितने योग्म का निर्माण किया जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे 40 मिला ना, अब इस 40 का ऐसा हम फैक्टर फाइंड करेंगे जिसका एस सी एफ क्या हो, 1 है। तो एक तो हो सकता है 1 और 1 × 40 आप बोल सकते हो बराबर 40 होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का फिर एस सी एफ क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर है कंसेप्ट। दूसरा फिर क्या हो सकता है, 5 × 8, यानी 5 8 का भी अगर आप देखोगे तो 8 × 5 = 40 होगा, और 5 और 8 का एस सी एफ फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, 40, ठीक है। यानी कितना पेयर बना, दो ही पेयर बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो ऑप्शंस में देखोगे दो का है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग दे दिया हुआ है 288 और एस सी एफ दे दिया हुआ है 16। ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, यानी पेयर आपसे पूछ रहा है। और ये भी क्वेश्चन देखोगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें नंबर नहीं पता, हम एक्स और वाई ले लेते हैं। तो एस सी एफ जो होता है क्या, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि एस सी एफ तो कॉमन पार्ट है, दोनों में ही होगा 16। तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का योग बोल दिया ना, तो एक काम करते हैं इसको प्लस, योग मतलब प्लस हो गया, और ये हो गया 16y बराबर कितना दे दिया हुआ है, 200, ये हो गया है आपका। उसके बाद यहाँ से देखोगे 16 आप कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बराबर हो गया 288। तो x प्लस वाई कितना मिला, इस 16 का क्या करते हैं, इधर लेकर आते हैं, ठीक है, कैंसिल करते हैं, कितने बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या मिला, 18। अब देखो हमें क्या मिला, x प्लस वाई बराबर 18 मिला। तब हम ऐसा नंबर लेकर बनाएंगे कि जो भी नंबर लेंगे दो, उसको प्लस करने से क्या आ जाए, 18 आ जाए। और एस सी एफ फिर उन जो नंबर लेंगे उसका एस सी एफ भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो एक तो ले सकते हैं 1 और 17, देखोगे 1 और 17 का एस सी एफ देखोगे तो 1 आएगा, है कि नहीं, और 1 प्लस 17 करोगे तो 18 आ जाएगा। तो एक तो ये पेयर बन गया 1, 17, है ना। दूसरा और क्या बन सकता है, 2 तो बनेगा नहीं क्योंकि 2 लोगे तो 16, अब एस सी एफ तो 1 आने वाला नहीं है। 3 अगर आप लेते हो तो 15, ये भी नहीं आने वाला है। 4 भी नहीं होगा, 5 आ जाएगा, 5 प्लस 13, ये भी 18 हो जाएगा। ये दो पेयर हो गया, और क्या ले सकते हो, ये हो गया अगर 7 प्लस 11 ले लें तो ये भी हमारा 18 हो जाएगा, और इन दोनों का एस सी एफ क्या होगा, 1 होगा। तो टोटल पेयर कितना मिल रहा है, ये हो गया 1 2 3, तो 3 ही हमारा बिना ना, तो 3 युग्म हम लोग बना सकते हैं। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि 2/3, 4/5 और 3/2 का एस सी एफ क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखोगे ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाया भी हूँ, एस सी एफ का फाइंड करना है। तो एस सी एफ के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो नंबर दिख रहा है ना 2, 4 और 3, इसका हम क्या करेंगे, पहले एस सी एफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 2, 4, 3 का एस सी एफ क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि देखोगे 2 के टेबल में तो ये आएगा, बट सबसे छोटा नंबर लेंगे 2 है, 2 के टेबल में ये आएगा, लेकिन 2 के टेबल में 3 आने वाला नहीं है। तो इसका फैक्टर फिर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 ही आ जाएगा हमारा एस सी एफ, ठीक है। और नीचे फिर क्या करेंगे, एस सी एफ फाइंड करना होगा, तो ऊपर का एस सी एफ, नीचे का हम लोग एल सी एफ, तो नीचे मीन्स ये 3, 5 और 2 का हम लोग एल सी एफ फाइंड करेंगे। तो देखोगे ये तो प्राइम नंबर, तीनों हमारा क्या है प्राइम नंबर, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 10 और ये हो गया 30, तो 1/30 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है कि 5/6, 4/5, 2/3 का एलसीएम पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ दिया हुआ है 5/6, 4/5 और 2/3, एलसीएम फाइंड करना है। तो ऊपर वाला जो नंबर दिख रहा है ना 5 है, 4 है और 2 है, इसका हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे।
तो देखो सबसे छोटा नंबर यहाँ देखोगे टू है, तो टू के टेबल में ये आएगा ना, तो इसको हम भूल जाते हैं। फोर फाइव और फोर का एलसीएम फिर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारा टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा ये तीनों नंबर का, 20। और नीचे फिर क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, एससीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एससीएफ किसका फाइंड करेंगे, 6 है, 5 है और 3 है, तो 3 के टेबल में ये आने वाला नहीं है, तो इसका हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 20/1, यानी हो गया 20। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 20 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।